नई कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि इन विवादास्पद कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के वास्ते विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के करीब आने के बीच बनर्जी ने संकेत दिया कि वे प्रधानमंत्री किसान योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने को लेकर तैयार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र से उन किसानों का ब्यौरा मांगा है जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वे तीनों कृषि कानूनों को कभी लागू नहीं होने देंगी जिन्होंने देश भर में किसानों को प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम शीघ्र ही एक या दो दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और इन कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बंगाल यदि ऐसा कदम उठाता है तो वह केरल, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद ऐसा कदम उठाने वाला देश का छठा राज्य होगा। बनर्जी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब प्रदर्शनकारी किसान संगठनों एवं सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सीएम ने प्रधानमंत्री किसान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने कई बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आवंटित राशि राज्य सरकार को स्थानांतरित की जाए। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि योजना का लाभ लेने के लिए बंगाल के करीब 21.7 लाख किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने इस डेटा के सत्यापन की मांग की है। मुझे लगता है कि केंद्र इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा था। हालांकि हमें महसूस नहीं हुआ कि इसके चलते किसानों को परेशानी नहीं उठानी चाहिए। मैंने केंद्र से किसानों का विवरण साझा करने के लिए कहा है ताकि हम सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर सकें। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।